वाल्टर न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद अनिसुर रहमान। कम्युनिटी आउटपोस्ट की जानिब से कम्युनिटी के अंसारी मैरिज हॉल में पीस कमेटी की मीटिंग का आयोजन किया गया। इस मीटिंग की खास बात ये रही कि मुहर्रमुल हराम के मौका पर ताजिया और अखाड़ा किस तरह निकाला जाए। चूंकि इन दिनों लॉकडाउन का सिलसिला जारी है जो आइंदा 15 अगस्त तक चलेगा, 15 अगस्त के बाद हुकूमत क्या गाइडलाइन जारी कर रही है, इसको सामने रखकर ये त्योहार और ये पर्व किस तरह मनाया जाए ताकि हम भी महफूज रहें और हमारा इलाके भी। इस अहम मौका पर ACP बेलघरिया डिवीजन श्री प्रियोवर्ता बाक्षी, IC बेलघरिया पुलिस स्टेशन श्री रतन विश्वास, OC कमरहट्टी आउटपोस्ट श्री मधुसूदन मंडल, IC बेलघरिया पुलिस स्टेशन रतन चक्रवर्ती और IC खरदा PS शमशेर अली, कमरहट्टी जमा मस्जिद के खतीब व इमाम मोहम्मद शैफुल्ला आलिमी, रजा जमा मस्जिद के खतीब व इमाम मुफ्ती मोहम्मद मुख्तार आलम रिजवी, कमरहट्टी म्यूनिसपालिटी के बोर्ड ऑफ मेंबर कलामुद्दीन अंसारी के अलावा 1 नंबर अखाड़ा से लेकर 3 नंबर अखाड़ा के जिम्मेदारान में नईम खान, मेहदी इमाम, जफर इमाम, नूर हसन वारसी, भोला श्रीवास्तव, मुख्तार आलम, सिकंदर नाथ, सगीर इमाम, मोहम्मद शमी मुखिया, फिरोज आलम अंसारी, इम्तियाज आलम और इस प्रोग्राम के संचालक खुर्शीद जमाल इस प्रोग्राम में उपस्थित थे। पीस कमेटी के मीटिंग की खास बात यह रही कि इस मीटिंग में समाज के विभिन्न वर्ग के लोगों ने भाग लिया और मुहर्रम के इस त्योहार को अमन शांति के साथ गुजर जाने की मनोकामनाएं की। जी आज के सामने 19 तारीख के मुहर्रम आस्ते 20 तारीख की भावे हमारा पालन अपना जाने ये गत बछर थेके हमरा कोविड महामारी मध्ये दिए जाछि। हेलो এর জন্য বিভিন্ন রেস্ট্রিকশন আমাদের আছে। প্রেসিডেন্ট কে এসিএস সে यहां पर आया हूं। हमारे प्रशासन और हुकूमत का जो भी गाइडलाइन होगा हम उसके ऊपर अमल करेगा। 16 17 18 20 तारीख को, 20 तारीख को सरकार क्या गाइडलाइन दे रही है? सरकार का ये गाइडलाइन दे रही है कि हम अपने अखाड़ा को ग्राम रोड पे निकालें। सरकार क्या ये गाइडलाइन दे रही है कि हम अपने ताजिया को रास्ते पे निकालें? अगर सरकार बोलेगी 50 आदमी तो साइड 50 आदमी की बात छोड़ दीजिए, अगर 9वीं 10वीं की बात की जाए तो कम से कम लाखों के ऊपर में तादाद में लोग कमरटी मोड़ पे कमरटी में चारों तरफ आते हैं। तो पहले सरकार इस बात को क्लियर कर दे कि क्या ताजिया उठेगी। सबसे पहले हम लोग ऐसा मीटिंग करते हैं, कोऑर्डिनेशन मीटिंग करते हैं और बुलाते हैं जो हमारे सोसाइटी के रिस्पॉन्सिबल पर्सन है वो लोगों को बुलाते हैं कि आइए आप लोग हमारे साथ आइए, प्रशासन का साथ दीजिए और ये जो फेस्टिवल टाइम है इसको हम लोग अच्छा से ताकि पार करें। आज भी जिन लोगों को यहाँ बुलाया है या हम लोग जो पहले मीटिंग किए आपके थाने में, एकमात्र उद्देश्य है कि आप लोग को हम समझते हैं दोस्त, आप लोग को एडमिनिस्ट्रेशन फ्रेंड समझते हैं और आप चाहते हैं कि आप हमारे साथ खड़े हो जाइए और जब खड़े हो जाइएगा तो हम कोई भी इशू, कोई भी फेस्टिवल जहां लाखों या हजारों या 50 कहीं भी कोई भी मुलाकात अगर हो जाए तो उसको हम लोग अच्छा से गौरव फिक्रो नजर आ गई हुसैन के नाम, तमाम उर्फ कभी और चली हुसैन के नाम। अच्छा कोई जलाए मगर ये ध्यान रहे, खुदा ने लिख दी है सब रोशनी, ये राज जुलूस की सगर में यजीद के खिलाफ एहतजाज है। आदेश होगा हम उसका पालन करेंगे। दरमियान अभी मैं यह कह देना चाहता हूं, बात हम लोग यहां कर लेते हैं लेकिन काम नहीं होता है। ये जो रोड है यहाँ पर जो गांच बड़ी बड़ी हो गई है इसको काट भी देना चाहिए। मोहल्ले से जो छोटी ताजिया जो निकलती है इस ताजिये को ले जाने में बड़ा ही मुहर्रम के मुतल्लिक, मुहर्रम हर साल आती है और हर साल जाती है मगर एक गुजारिश है हमारे प्रशासन से भी कोऑर्डिनेटर से भी कि जो लाइट का इंतजाम ताजिया उठे या ना उठे
अखाड़ा उठे या ना उठे, सरकार ने ऐसे गाइडलाइन दे दी इस हफ्तों को चलना है, मगर जो कमहट्टी में लाइट के इंतजाम हुआ करता है हर नुक्कड़ पर, हर कोन पर, सब्जी बगान में जहाँ भी होता है वो लाइट के इंतजाम पर आए, मेहरबानी हमारे कोऑर्डिनेटर और हमारे पुलिस प्रशासन से गुजारिश है, इलेक्ट्रिसिटी से गुजारिश है। मेरी तरफ से इस्लामी साल का की पहली तारीख मुबारक हो और इस्लामी नया साल मुबारक आपको आपको मुबारक। चार मिसरा हमसे सुनिए। तबस्सुम अली असगर सभी से कहता था, तबस्सुम अली असगर सभी से कहता था, ये बात जाके उसे भी कोई बता आए, घरों में छुपना तो ना मर्द की अलामत है, यजीद मर्द अगर है तो करबला है। घरों में छुपना तुम ना मर्द, आबाद मुस्लिम बस्ती इस कमरट्टी को कहा गया है। अगर कोई बीमारी कोई वबा फैलती है तो उसका सबसे ज्यादा नुकसान आम से बस्ती को बचाना ये प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि कमरट्टी में बसने वाले हम तमाम लोगों की। जान रहा तो जहान है, हम सब करेंगे, लेकिन हम अगर अपने आप को जान की न्योछावर करेंगे तो आने वाला दिन को इस बस्ती को अब पिछले साल अभी तक कोई गाइडलाइन जो गाइडलाइन पर चल रहे हैं हम लोग 15 तारीख के बाद वो 13 तारीख को इंशाल्लाह क्लियर हो ही जाएगा और बाकी हमारे अफसरान है वो बताएंगे कि क्या करना है। उसी हिसाब से जिस तरह से हम तमाम लोगों ने पूरे कम्युनिटी के आवाम हमारे रहमान हमारे दोस्त साथी तमाम लोगों ने जिस तरह से पुलिस महकमा का साथ दिया था और हमने हर तरह से हम लोग आवाज बरकरार रखने की कोशिश की थी, इंशाल्लाह रहमान इस बार भी हम कोशिश करेंगे कि अपनी जान की भी हिफाजत करें, अपने त्यौहार को भी मनाएं और अपने इलाके में तो बेहतर होगा। और साथ साथ हम ये भी रिक्वेस्ट करेंगे कि आज जिस कम्युनिटी मीटिंग में जो भी बात हुई 13-14 तारीख पर नया गाइडलाइन जाएगा जो भी होगा, मगर हम रिक्वेस्ट करेंगे कि जो अखाड़ा के मुतल्लिक चाहे गाड़ी के मुतल्लिक जो लोग एकदम डीपली चुप्त हैं उनको लेकर आप बैठिए, गाइडलाइन आने से पहले भी गाइडलाइन आने के बाद किस तरीके से तालियां जाएगी, कौन लोग जाएंगे, अखाड़ा निकलेगा कि नहीं निकलेगा, मट्टी किस तरीके से आएगा, कौन लोग जाएंगे। अभी तक 15 अगस्त से जो भी प्रशासन का ऑर्डर है हमारे लक्ष्य शहर में आपको सुना है, 15 के बाद क्या ऑर्डर होगा उसके बाद जो मट्टी में लोग अपनी जो कोई अलग नहीं, कोई अखबार लाभारित नहीं है, जो बोलने से नहीं हो सकता है, सभी हमारे ही बच्चे हैं जो भी रास्ते पर हैं कमाटी के हैं उनकी देखभाल की এবং তাদের সঙ্গে বসে তাদের সঙ্গে আলোচনা করে একটা গাইডলাইন ঠিক করব যাতে পরবটা সুস্থভাবে পালন করা যায় এবং সাধারণ যারা জনগণ আছে কামারাটি অঞ্চলে তাদের যাতে কোনো অসুবিধা, একটা গাইডলাইন ঠিক করব। আর আমাদের ম্যানেজার যেটা বললেন যে 1 নম্বর আপনার যেটা যারা সদস্য আছেন তাদের ফোন নাম্বার নাম এই জিনিসটা গতবারও আমরা চেয়েছিলাম আপনারা দিয়েছিলেন এবারও দেবেন, শুধু একটাই অনুরোধ আপনাদের কাছে সরকারিভাবে আপনাদের কাছে অনুরোধ যে মাস্কটা পরবেন আর হাতটা ঠিক মতো স্যানিটাইজ করবেন বা সাবান দিয়ে ধরবেন, তার কারণ সেকেন্ড ওয়েভ যেটা এসেছিল তার অভিজ্ঞতা আমাদের।